YouTube, आज हम लोग जा रहे हैं राइड पे अंतरागंगे और रास्ते में एक पेट्रोल पंप पे हम लोग रुके हैं पेट्रोल फिल कराने के लिए। अभी तक राइड काफ़ी अच्छी रही है, एक घंटे पहले हम लोग निकले थे, अभी मॉर्निंग का 6 o'clock कुछ हो रहा है और मैं बाकी के अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती है हम इंजॉय करेंगे। वो पानी वाला ही है ना। और अभी हम लोग कोलार से 20 किलोमीटर पहले फॉर श्योर फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम गाड़ी बहुत अच्छा है। इन भाई साहब की गाड़ी है और ये गाड़ी अभी तक 5 बार बंद हो चुकी है। कौन सी मॉडल है? ये शेवरोले बीट है। 10 बार बंद हो चुके, क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं बोलना नहीं चाहेंगे, एक्चुअली ये मेरी गाड़ी ही नहीं है। तो जिसकी भी गाड़ी है, गाड़ी तो इज्जत से रखना चाहिए ना। इट डिपेंड्स अपॉन हिम कि वो गाड़ी कैसे रखता है। वो तो हमको चलाने के लिए लैश लेने के लिए मिल गया। तो लैश ले रहे हैं। और ये टेम्पररी ड्राइवर, मैकेनिक कम ड्राइवर, और एक देख सकते हैं ड्राइवर पीछे हंस रहे हैं। कैसे गाड़ी चलाते हैं भाई? सुना अच्छा ही चला। सो के चलाते क्या? सो के सुना आराम से चला रहा था मैं। एक तो करो ना, एक बार स्टार्ट करो ना, स्टार्ट करके देखो। और जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी में खराबी आ चुकी है, पता नहीं क्या तो प्रॉब्लम हुआ है। और ये बेवकूफ को देख, तो अभी गैराज में लेके आए, कम से कम हमने 2-3 किलोमीटर तो धक्का मारा ही है। ये रौनक भी पतला हो गया धक्का मारते मारते। अब देखते क्या प्रॉब्लम आया पता चलता है। प्रॉब्लम भी हमने ही खड़ी की है, ये भी बता दें। रेडिएटर में पानी डालना चाहिए, जिंदगी में कभी नहीं डालना चाहिए। हाँ, एक चीज़ तो सीखने को मिली है कि जब गाड़ी हीट हो जाए तो रेडिएटर में जोश में आगे पानी नहीं डालना। तो 3 घंटे हो गए यहाँ गैराज में और गाड़ी का काम अभी भी हो रहा है और पता नहीं, लगता है दो घंटे और लगेंगे। होता है कभी कभी, क्या करना। और देखिए यहाँ कैसा फील कर रहे हैं ब्रो? मैं चुदी पड़ी है। लेट मी कंसंट्रेट ऑन द फूड राइट नाउ। ओके, कोई बात नहीं। रौनक हमारे ड्राइवर है, अगर अच्छा से नहीं खाए तो वापस कैसे जाएंगे बेंगलोर? देखते हैं क्या होता है। चावल खाते तो मजा। 3 घंटे गाड़ी चला था भाई, 3 घंटे का तो राइड हो गया है। अभी 10 घंटे का राइड आगे। किट के लिए बैठे रहे लास्ट में। हमारा पेट्रोल वेरिएंट था, पेट्रोल का मिला नहीं, डीजल का मिला, तो गाड़ी छोड़ के हमें आना पड़ा। उन्होंने बोला नेक्स्ट डे आओ, पक्का मिल जाएगा, गाड़ी बन जाएगी। नेक्स्ट डे कॉल करके पूछा तो उन्होंने बोला कि गाड़ी बन गई है, आ जाओ। तो गैस्केट का भी दाम उन्होंने ज़्यादा बताया लेकिन गैस्केट नहीं मिल रहा था, तो हमने बोला कि ठीक है लगा दो चलो। तो हम लोग बस पकड़ के गए यहाँ से, वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बोला ठीक है आधे घंटे में गाड़ी बन जाएगी। गाड़ी बनाने के बाद भाई साहब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, इतना धक्का लगाया हमने, 2-3 घंटे धक्के लगाते रह गए। और मैकेनिक आए, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, रात के 2 बज गए और नेक्स्ट डे हमारा पेपर था, तो ये सोच के हमें फिर आना पड़ा गाड़ी छोड़ के। और उन्होंने बोला कि अब गैस्केट नहीं है, इससे काम हो रहा है, तो ये इंजन हेड का प्रॉब्लम नहीं है, पिस्टन और कुछ थ्रेडिंग का प्रॉब्लम है। तो उन्होंने जो पहले खर्चे 5,000 बताए थे उसको करके 20,000 और प्लस 25,000 कर दिए। तो हमें लगा कि ये सच में हमारे चूतिया काट रहे हैं और ऐसा ही कुछ लग रहा था। तो हमने बोला कि ठीक है हम कल कॉल करके बताएंगे, आई होपफुली बाई लक। और पेपर हम सबका बहुत अच्छा गया। उसके बाद हमारा हम लोग ने डिसीजन ये लिया कि हम जाएंगे गाड़ी टो करा के लाएंगे। तो नियार और मेरे एक फ्रेंड वो लोग गए और गाड़ी टो करा के लाए। तो इस वीडियो से हमें और जनरल लाइफ में ये पता चलता है कि कैसे भी डिसीजन, अगर कुछ पता नहीं है तो जल्दबाजी में डिसीजन ना ले, नहीं तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। जैसे
हमारे केस में अगर हम थोड़ा सा कूलेंट दे देते तो हो सकता था वो गाड़ी 1 घंटे में कंडीशन में आ जाती और इतना काम नहीं बढ़ता, लेकिन हमने नहीं जानते हुए पानी दे दिया कि इससे ठंडा हो जाएगा और हमारा काम बढ़ गया। तो आई होप कि इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला हो, आपको कुछ अच्छा जानने के लिए मिला हो। तब तक के लिए चैनल से कनेक्टेड रहें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा तो लाइक करें और नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो। तब तक के लिए शुक्रान, अलविदा और टेक केयर, और ड्राइव वेल, ड्राइव सेफ।